बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मारीपुर पंचायत के रामू महतो किसान के द्वारा लगाया गया फसल को प्रशासन के द्वारा अवैध मानते हुए उस फसल को खेतों से उखाड़ के प्रशासन की उपस्थिति में जलाया जा रहा था। वह खेत मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद शमशीर, मोहम्मद आविद वगैरह सातों भाई का उस खेत में हिस्सा है। बताते चले कि प्रशासन के द्वारा पूछताछ पर उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं देकर पत्रकार से भी कहने लगे कि आप सभी बातों को जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध था, इसलिए इस फसल को खेत से उखाड़ के जलाया जा रहा है। खेत पर उपस्थित आम जनता से पूछने पर उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश, पूरे राज्य में कहीं भी इस तरह का फसल को उगाने पर प्रतिबंध नहीं है। कुल मिलाकर आम जनता एवं गढ़पुरा थाना प्रभारी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। ऑफ कैमरे में वहां मौजूद जनता ने कहा कि यह हफिंग है, यही कारण है कि गढ़पुरा थाने के प्रशासन के द्वारा फसल को उखाड़ कर जलाने का प्रक्रिया किया जा रहा है। साथ ही खेत में बैगन का फसलों को ट्रैक्टर से जोत दिया गया और कुछ फसल को गढ़पुरा थाने के गाड़ी में चौकीदार के द्वारा रखवा दिया गया, ये कहते हुए कि इस गहन रूप से जांच किया जाएगा। अब यह मामला यहां फंस गया है कि गढ़पुरा थाना या बेगूसराय प्रशासन के द्वारा बिना सत्यापित किए फसल को उखाड़ कर जलाने का क्या उद्देश्य था। मेरे न्यूज बिहार के लिए गढ़पुरा से विनय कुमार विनायक की रिपोर्ट। रोड है, इधर से हम लोग गुजर रहे थे, देखिए भीड़ भाड़ क्या बात है, दाएं देखने के लिए बस। जी हाँ, पीछे से कर घोड़ा में नहीं लिए, घोड़ा में घोड़ा में लेते ना।